खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आंखों में इन्फेक्शन होने के कारण मैंने ये चश्मा लगाया, लेकिन ये चश्मा उन नेताओं को लगाना चाहिए जो नेता भ्रष्टाचारी छुपाने के लिए तमाम लोगों की आंखों में चश्मा पहना दिए। हम ऐसे ही एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला पूर्व के नेहरू नगर फिश मार्केट के पास, और इस मुख्य जो मार्केट है, इस मार्केट से सटा हुआ एक नाला है। इस नाले का आप दृश्य देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर लगे बोर्ड को देखिए। यहाँ पर स्वच्छ BMC का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन इस बोर्ड पर काफ़ी एक शर्मसार कर देने वाली एक बात सामने आई कि इसी बोर्ड के नीचे ये तमाम कचरे का अंबार है, और इसी कचरे के अंबार से सटा हुआ ये नाली जहाँ से आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक ये पूरा गंदगी और कचरा है। और महानगर पालिका 162 करोड़ रुपए का बजट लेने के बाद ये करोड़ों रुपए की लागत को सिर्फ और सिर्फ कचरे की तरह वेस्ट कर देती है, और यहाँ पर ऐसे ही कचरे का अंबार पड़ा रहता है। यानी आप सोच सकते हैं कि बोर्ड के बाजू में ये भ्रष्टाचारी, और इस भ्रष्टाचारी को दिखाने के लिए इन नेताओं के आँखों पर जो है तमाम लोगों द्वारा जो है पट्टी बना दी गई है, जिसके कारण सभी लोगों को ये दिखता नहीं है। चश्मा सभी लोगों को बिल्कुल मेरी तरह यहाँ के नेता पहना चुके हैं, जिससे भ्रष्टाचारी जो है यहाँ के लोगों को दिखती नहीं है। फिर से मैं यही दिखाने के लिए आपको आया हूँ। अब ये देखना है कि इस पर किस तरीके से यहाँ के विधायक, अभी है मंगेश कुडालकर पूर्व थे, वो ध्यान देंगे और किस तरीके से यहाँ के लोगों को एक अच्छी समस्याओं का जो है समाधान निकाल कर देते हैं। फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सब सवालों के बाद ये आरोप है, और इस आरोप के बाद किस तरीके से मनपा प्रशासन इस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ के विधायक द्वारा कार्रवाई की जाती है, ये एक अब देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी कुर्ला।